गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। और सुबह अभी 8 बजे हैं तो नवरात्रि की तैयारी चल रही है। कुछ सामान रोस्ट करके रखना है तो वो मैं कर रही हूँ अभी। और चैनल पर बने रहिए नवरात्रि का पहला ब्लॉग देखने के लिए। ये मैंने मूंगफली रोस्ट करी, इसमें 1 चम्मच घी डाला है। ये आपके ऊपर है, कम भी डाल सकते हैं। इसको एक बार डाल के और धीमी आंच पर रख दो और कभी कभी इनको चलाते रहो। तो ये 5-10 मिनट इसमें लगेंगे और ये फटाफट से रोस्ट हो जाए। ये मैंने थोड़े से काजू, मखाना और बादाम रोस्ट करे हैं जो व्रत में काम आ जाते हैं। ये मैं कर चुकी हूँ पहले, ये करे हैं। और अब इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, तब इसका ढक्कन बंद करके रख दो। चलिए मंदिर लगाने की शुरुआत करते हैं। सभी चीज़ों को भी मैंने धो के रखा है, अब इनको सजा के पूजा करूँगी। और अब जब लग जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ, पूरा लगा के मंदिर को। और मंदिर करीब करीब जमा दिया है मैंने, अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे, कलश स्थापना करेंगे और पूजा करेंगे। और अब कलश स्थापित हो गया है, पूजा शुरू करते हैं। करने वाले शाप रूपी की लत का जो निवारण करने वाला उस सब सती स्रोत को संपूर्ण रूप से। तारानी की पूजा कर चुके हैं हम, इसलिए लगाएंगे भोग। ये प्रसाद है हमारा और जल चढ़ाने जा रही हूँ। और अब करते हैं खाने पीने का इंतजाम। और ये बनाए मैंने समा के चावल, दही और टमाटर की चटनी। और समा के चावल बहुत ही टेस्टी बने हैं, चटनी और दही के साथ मज़ा आ गया। और इसके बाद लेंगे चाय और फिर शाम को मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। मैं कई बार अपनी रेसिपी डाल चुकी हूँ, अगर आपको बनानी हो तो व्रत में ज़रूर ट्राई करें। तो साबूदाना की खिचड़ी में मेरे लिए मेन चीज़ है मूंगफली, आलू और पनीर, बाकी आप उसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारी सब्जी अवेलेबल होती हैं लेकिन अभी कोई सब्जी नहीं है, तो इसलिए हमने डाले हैं आलू, पनीर और मूंगफली। नींबू का जूस ज़रूरी है इसके लिए और हरा धनिया। और मैंने अब तैयार कर लिए, जब सर्व करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। तो व्रत का पहला दिन पूरे दिन बिजी रहता है, पहले मंदिर सजाना होता है, फिर खाना बनाना होता है, तो पूरा दिन मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। और अब शाम में साबूदाना की खिचड़ी, दही चटनी, ये सभी मैं बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ये बन के तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। हरा धनिया अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल पाई हूँ, वैसे आप इसमें जो चाहे डाल सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है, व्रत में बहुत ही अच्छा आइटम है। और नवरात्रि में कोई ज़्यादा अलग रेसिपी तो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, बहुत काम होते हैं, तो इसलिए सादा सादा रेसिपी बनाती हूँ, दिखाती रहती हूँ। और बहुत ही सादा ही होती है मेरी, बनाइए आप भी, एक ट्राई कीजिए। और बस मेरा मेन काम है कि अखंड ज्योत जलाती हूँ तो उसको देखना, थकान भी हो जाती है। कुछ नया ट्राई करूँगी तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। बाय बाय। और मेरा स्पेशल सजेशन है कि आप नवदुर्गों के व्रत करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि इसमें थोड़ा लाइट लाइट खाना होता है तो पेट भी साफ हो जाता है और खाना भी चेंज हो जाता है। बाय बाय।